सभा में किसान की, मजदूर की, दलित की, पीड़ित की, अल्पसंख्यक की, छात्र की, नौजवान की, आदिवासियों की आवाज बनने का काम करा। मैंने विधानसभा में कोशिश करी कि मेरे आखिरी से आखिरी गांव जो तहसील के आखिरी छोर पर रहते हैं उन गांवों की मैं कदर करूं। मैं आज मराणा गांव में बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि आपने मांगा नहीं उससे ज्यादा मैंने आज गांव को दिया है। मुझे बताया कि विकास की चीज हरियाणा के बॉर्डर के गांवों तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। साथियों, मैंने आपके गांव में पीएचसी खोली। जब मैं वहीं से भाषण दे रहा था और इस जट्टी के नीचे खड़ा एक आदमी कह रहा था, आपने मांग करी एमएलए बनने के बाद, जब मैं धन्यवाद करने आया तब आपने मांग करी कि हमारी सीधी पाइपलाइन आनी चाहिए वाटर वर्क्स की, तो मैंने कहा आइएगी। तो यहां खड़े एक आदमी ने कहा यह मोदी से ज्यादा झूठा है। आज देख लो पाइपलाइन दब रही है, पाइपलाइन आ रही है, 4.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। डीआई पाइपलाइन आने वाली 100 साल खत्म नहीं होगी। दोस्तों, मैंने घोषणा करी थी आज से 8-10 महीने पहले, जिस गांव की सड़क टूटी होगी बलवान पुनिया वोट मांगने नहीं जाएगा। आज मैं वोट मांगने आया हूं और कच्चा सड़क बनाया हूं। ये आपकी डाणियां सारी गांव का रूप ले चुकी है। 4 किलोमीटर की सड़क दे दी हमने, चुड़ी वाली सड़क का रिन्यूअल कर दिया हमने, जनाना से चुड़ी सड़क बना दी हमने। ये 4 MRN का स्कूल जो बाबूजी ने बंद कर दिया था, वो स्कूल मैंने सबसे पहले पहली कलम में खुलवाया था। मैं अगर बात करूं आपके गांव की, इसी पेड़ के पास ए श्रेणी का प्रथम चिकित्सालय बनेगा पशुओं का, ए श्रेणी का चिकित्सालय। मतलब आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप बलवान पुनिया को वोट ना दो, कोई वजह नहीं है। नाले खड़ों की अगर मैं बात करूं तो आपका कोई खड़ा मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ा, जो स्वीकृत नहीं हो गया और काम चल नहीं रहा हो, या फिर अब नए भट्ठे की ईंट निकलते चलना पड़े। आपके स्कूल में आपने मुझे एमएलए चुना और मैंने एमएलए चुन के राज्यसभा का वोट बन जाता है, एमएलए बनते ही मैंने राज्यसभा का वोट जिस एमपी को दिया, मैंने आपके स्कूल में हॉल बनाया है, एमपी साहब से कह करके एमपी लेड से पैसे दिलवाए 16 लाख रुपए। आपकी सोसाइटी में सबसे पहले मैंने भट्ठा लगाया था गोदाम बनाने के लिए। तहसील में जब सोसाइटियों का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले आपके गांव में नींव रखे गया था मैं। आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप बलवान पुनिया को वोट नहीं दे, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं एक वोट दिया तो दिया यार, कुकर दिया भाषण भाषण जोर की करे तो एक बोने, ऐसी कोई वजह कौन दर करे। जगह की कौन करो पान के नाम का वोट देना चाहो है, कई लोग जगह झंडा जी बीजेपी का टांग रखे, गोला लठी दिया मन लोगे तो दे। लोकतंत्र में रिवाज को नहीं तो जानबूझे कंठा मांगड़ी क्या ले रखी है, मतलब जो की करो डोल को नहीं, उन्हें नाला खाड़ा बनाया। अरे वाटर वर्क्स को करोड़ा रुपया काम, गांव का लोगों का फोन आया, विकास कार छोरा गांव का कह एमएलए साहब तो थल्लो गलत बने, मैं गर्मी में चाल के आगे थल्ले में खड़े हो रहे एक घंटा और एन पूछ गए तो बला के मैं हाथों गिनतू फुड़वा गए थल्लो और थल्लो बंदे। अरे बाबू जी कहे कि बलवान को बोले जो कल्लो सुखे, बाबू जी मेरे तो कल्लो कल्लो सुखे तेरे थल्लो सुख जैसे मैं बोलू तो बोले, अरे मैं थड्डी की थल्लो से ही करवा गई। बात करे बेटा ये एरी बेरी मैं जीतांगा, क्यों जीतूंगा थे वोट तेरे गांव तो मेरे साथ खड़े थे, जीत जियो बड़े जीतूंगा गांव तो मेरे घर लिए माना जी आने की। अरे हरियाणा कई बिल्ली है मन में कहना चाहूं वो राजस्थान है बेटा माड़ा गाल दे नहीं वो फिर फुरे को नहीं बाद में क्या माड़ा गालती भाई जी। अब एक घरने में फोर गया वो बोले मैं तो वोट दूंगा तुम्हें तो गालती माड़ा बाकी कर जाता नहीं देगा वोट, अरे माड़ा ही तो है भाई जी और के भरोसो बेटा। अटे कह दियो गिरे गया काम खतरा कह दियो तेरे होगा तो देर उसके वही हो जबान ही है और कोई एफिडेविट लिखावा गया पा आ कह काम का बोले मना चीज चाहिए मोजेगी आ चाहिए हो जाएगी अशय होगी।
पाइपलाइन सिर्फ पानी पानी को मरना महेंद्र में पहले उसको पानी छुटो मैं मोगा बंद को करना पड़े पेयजल मरना महेंद्र में लियागा ने बेदिन जनाने का कोई मौका बंद करियो कि पेयजल हमेशा पाइपलाइन आओगो बैलेंस का पानी भी महेंद्र को कभी मौको बंद करना पड़े। मैं एक एक चीज ने माइन्यूट ली। हरियाणा से पूरे पानी की मांग करते हैं, हरियाणा बदमाशी कर रहा है पिछले 6 महीने से। खट्टर ये चाहता है कि बलवान पुनिया आ जाए। बलवान पुनिया की लड़ाई भादरा में ही नहीं, मैं तो मोदी और शाह के खिलाफ बोल रहा हूं, काले कानूनों के खिलाफ। उन काले कानूनों के खिलाफ बोलते हुए मैंने उनसे दुश्मनी मोल ले ली। वो चाहते बलवान पुनिया आ जाए, तो मैं कहना चाहता हूं 6 महीने बच्चे खट्टर साहब, तुम्हें ठीक कर देंगे हम, तुम नहीं बचोगे। अब मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये आलतू फालतू लोग जो आते हैं ना, ये घूमते फिर रहे हैं तथाकथित दानदाता बनने बड़े हुए। पहले तो कहते थे हम समाज सेवी, आजकल बीजेपी के रेडियो में घूम रहे हैं। मैंने यही कहा था पहले, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सीरत छुपी रहे, दान की चर्चा घर घर पूछी लूट की दौलत छुपी रहे, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। मैं तो समाज सेवी आ गए, अब बीजेपी प्रोग्राम रोनता जमणियान फिर होगी दे घोषित को आर्मी में बीजेपी का आदमी यार बलवान पुनिया न रहो। कुटालियां हो रही है कि 3 तारीख बाद में देख लेंगे, के देख लेगा, मैं 25 ने कांड कर दिया हजारो पी पड़े हुए थे 2 बजे बाद बूथ पर कौन पाऊंगा बीजेपी यार। गल्ले गड़े बाबू जी गिनती में कौन गए, रिब के कौन सा गिनती पर कौन गए गल्ले गड़े, और गल्ले गड़े तो रहे 9:30 बजे। अरे जनता को इतना तकड़ा आशीर्वाद मिलने लाग रही है, रिब के राजा 9 बजे ऐसे का टापर था। 2004 के बाद में नौकरी लग गया, बाकी बुढ़ापे की लाठी पड़ने को काम बलवान पुनिया ने सो गहलोत करी हुए। बेटा बरिया वोट गिरेगा, वह गुरुजी वोट गिरेगा, वह मेरा भाई बहन वोट गिरेगा, जेका मेरी एज गए और 2004 के बाद नौकरी लग गया और बैंक बाद में थरटा पर जगह नौकरी लग गया, वह वोट गिरेगा, वह कोई सुसाइड थोड़ी कर लेगा, जकी बीजेपी आके ओपीएस तो रेवड़ी है, वह रेवड़ी थोड़ी है, वेद फूपन टिपा दो कि गमू भाई थे वो 70 साल को क्यों कहीं जो कौन रहे हो काम करो तेन टिपा दोगे सारा फूफो फूफो को निकल लग जाके तो ओपीएस फूफो है आगे बढ़ा लियो। शोर्ट में मैं घर समझाऊंगा, ओल्ड पेंशन स्कीम फूफो है, वेद फूफो समझ लियो सारा कोट कौन करागे भाई। पहली जवान हो, खेती कर दो, काम कर दो, घर चला दो, सारी व्यवस्था, ये बुढ़ो हो गए कोई सरकार उड़िया हुआ राजकनाल में है। ओपीएस यही है कि 60 साल तुम्हारे इन बच्चों का भविष्य बनाता है मास्टर, और उसको 60 साल की उम्र के बाद घर भेज दो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, सामाजिक सुरक्षा नहीं है ये। उस ओपीएस को हमने बहाल कराया, 9 बजे जीतांगा, 9 बजे बाबू जी निकलो चौथे एड्डी चोटी को जोर बुला ले, तेरे जीवा भर बुला ले। राजस्थान में तो सरकार गिराना है ना मोदी साहब, तो मैं बयान दे दियो चुनी हुई सरकार नहीं गिरेगी। तो जयपुर में जयपुर के लेवल का पत्रकार हुए आठे कई खुरी खान ना हो रही नहीं पत्रकार कैमरो लिया फिरे कोई बेस को दिख जाओ बोलू तरड़ोगे मनवा सड़क में खुरी खान में हरे नहीं तो भाई बैठे खुरी खान में हरियो पत्रकार अशोक गहलोत ने 18 बीजेपी की निकल बिठाना चाहे वो आयो रही समाड़ो मेरे कने बोले आपके पास क्या सामान है तो आप सरकार रोक दोगे। मैं झंडो दिखा दियो मैं कि कोरियो चालती रेल ने रोक दे बावड़ी पूछे वो है मार्ग नहीं 350 स्पीड मानती हुई ट्रेन को दिखा देनी मेलो सब सरकार रुक की है मन डरता फिर बोला है वो क्या काल नहीं ठहरे में क्या बलवान पुनी हो मेरे गेट बनाडो बैग नीचे कर चल के आए हुए। अरे शर्म कर बलवान पुनिया की 450 करोड़ रुपये बनाई सड़क पर फिरे तू तेरे हरियाणा में सड़क टूटी पड़ी है और तू राजस्थान की काची काची सड़क पर फिर गिर कैचर पंचर करे तरकाली तू बलोक हार गयो बलवान पुनिया साहब पंजो लड़ा
क्या पीती, क्या पीती का शोरबा, तुझे कोई बरत रहा है और तू काम आ जाएगा। बिना काम की बातें मत कर, ये लड़ाई हमारी है काम की और बिना काम करने वाले आदमी के बीच की, ये जनता को तय करनी है। मैंने 5 साल एमएलए रहते हुए काम करे, 5 साल में 5 बजट, बाबूजी रहे 10 साल एमएलए, उनके 10 बजट मेरे 5 बजट, उनके 10 बजट मेरा आखिरी 1 बजट बराबर है। बापूजी गया हिम्मत को नहीं गेल दे वसुंधरा के शासन में के एमएलए लेडू न के 5 किलोमीटर तो दूर की बात 500 मीटर सड़क स्वीकृत करा लिया, 500 मीटर मेरी बनाई सड़क करोड़ों रुपया की चौकता हूं आज की लदे से रोड बोले गांधी अड़ी ए पर चाल के बादरा आगे और कैमरे के सामने कह के विकास भाई जी थारे मोतिया बिंद हो गयो थे गोनी बादरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहली ऑपरेशन को नहीं होता मेरे एमएलए बने हूं पहली, आजकल ऑपरेशन होने लग गया। और भाई जी त्यां को ऑपरेशन करा लियो चुनाव चुनू आंता जानता रहेगा कि नहीं आंदा हो बैठोगा तेरा मोतिया बिंद हो गयो। ऑपरेशन और डॉक्टर भी बलवान पुनियो ही लाए हुए बादरा को सब सुनी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मैं बात करनी चाहूं जो क्या आदमी मराना को स्कूल बंद करे वो आदमी गांव के चौक में आगे बोलने को कैन जंटी के तले कह गो की आका गो का बलवान पुनिया घमंड है नहीं, बलवान पुनिया की बुलंद आवाज को तुम घमंड कहते हो तो मैं कहना चाहता हूं मैं तुम्हारी तरह मिम्याता नहीं हूं। तुम मिम्याते मिम्याते 5 साल वसुंधरा की चप्पल दे करके वापिस आ जाते थे, वसुंधरा तुम्हें कभी मिली ही नहीं। मैंने तो एक छोरी मैसेज कर दिया छोटी सी कैंकल लाइट को नहीं 10:30 बजे लाइट को नहीं अंकल है पटना सुबह पेपर है। मैं बेटा अब देख चीफ साहब ने मैसेज छोड़ो मैं को लाइट को नहीं कटौती है बादरा में और बड़े भारी जनता परेशान और बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अगले दिन भाई टाइम 11:30 बजे रात ने मैसेज आयो सीम साहब बात करेंगे कराओ 12:43 राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान का ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री का सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा, चीफ इंजीनियर ऊर्जा, एससीएल मानगढ़, सारे अफसर लाइन पर और सारी बातें करके तय करा कि बादरा में झटके नहीं लगेंगे। उस दिन के बाद बादरा में लंबी 15 मिनट से फालतू लाइट नहीं कटी। मुझे औकात पूछ रहा है बावड़ा आदमी, मुझे औकात पूछ रहा है कि इसकी तो औकात ही क्या है, ये हमारी बहस नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सही को भाई जी, मैं तेरी बहस ही कौन खरीद सका। 85,000 लोग सके लेके तेरी 18 कुर्सी मुंदी मार दी और 2023 में मुंदी मार दिया। क्या को खरीद बहस बहस अरे बात अरे मुका दो अरे मुका दो। मैं तेने विधानसभा को जान दिया नहीं लगा ही वो नहीं, नहीं तो मारो काम क्यों राजनीति को बावड़ो। मैं तो 1998 में वोट दियो बाबू जी वोट और मैं थाना आज को इतना लोग खड़े उतरे जा रू थाना को एक दिन मैं उम्मीद करूं बाबू जी 100 साल जीवे एक दिन बूथ पर जागो और वोट मन्ने गेर के आओगो और हाथ खड़े हो यहाँ क्या मल खेड़ा आदमी लियो बलवानपुरी वो ठीक है मेरे पुट्ठो लू मेरे 98 में डेढ़ हुए धक्कू पगाम आ गया सारा बेड़ा हो गया सारा एक टीम चढ़ गया भाइयों मुक्को है रूटा मैट्रिक्स में मार दियो और मेरे चढ़ गया धक्का देखो थे इनको अंदाजा नहीं इस बात का ना गड़ो खराब है अंदाज में नहीं मारे मतलब नहीं वो तो फोन में सुनो। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा इनको अंदाजा नहीं है हमारी ताकत का, ये मुझे पेड़ समझ बैठे, ये मुझे पेड़ समझ बैठे। मैं पेड़ नहीं हूं साहब,
मैं तो जमीन की धूप हूं, जितना काटोगे उतना फैलूंगा। मैं पेड़ बनने की फिराक में भी नहीं हूं। कोई जोर का तूफान आ जाए, टूट जाए, मरोड़ी लग जाए, गिर जाए, या कोई काट के ले जाए, धूप हूं धूप फैलूंगा। पूरे हिंदुस्तान तक आवाज जाती है आपके बलवान की जो विधानसभा में बोलता है। बाजरा के लोगों, मराणा के लोग, लुगाई बात सुनो, अगर ये चाहते हो कि आपकी बुलंद आवाज राजस्थान की विधानसभा में फिर बोले, अगर आप चाहते हो कि आपका बलवान पूरिया शेर की तरह विधानसभा में फिर दाड़े, फिर 2016 की 2023 की 16वीं विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह हो और बलवान पुनिया कहे जय बाजरा, तब आएगा मजा। और मैंने इस बाजरा की जय करी। मैंने पिछली विधानसभा के शपथ ग्रहण समारोह में कहा था जय जनता जय बाजरा। मैंने जनता की जय बुलाई, मैंने बाजरा की जय बुलाई। चप्पे चप्पे में पूरे हिंदुस्तान में जहां भी बाजरा का नाम आता है, लोग फकर से कहते हैं कि आपका बलवान पुनिया किसान के मुद्दे बहुत जोरदार तरीके से उठाता है। अब अगर आप आदिवासियों में चले जाओगे, उदयपुर चले जाओगे, सलमपुर चले जाओगे, जयसमंद चले जाओगे, कोटड़ी चले जाओगे, आप बारा चले जाओगे, राजसमंद चले जाओगे, तो आपको कहेंगे कि आप बलवान पुनिया के इलाके से आए हो, हम आदिवासियों के लिए बलवान पुनिया आवाज बनता है। अब राजस्थान के कोने कोने में कहीं कोई दलित बैठा है, कोई आदिवासी बैठा है, जब जालौर की घटना हुई तो मैं बाबूजी से पूछना चाहता हूं कि तुम कहां थे? आरक्षण का सवाल आ जाए तुम कहां हो? भाजपा कहां है? ओबीएस का सवाल आ जाए तुम कहां हो? जब काले कानून आए थे तब तुम कहां थे? जब कोरोना जैसा संकट आया था, महामारी आई थी, तब तुम कहां थे? आज तुम्हें बलवान पुनिया का घमंड दिखता है। बलवान पुनिया 500 लोगों से डेली मिला है, 500 लोगों से, और 500 लोगों के फोन उठाए, 500 लोगों के फोन डेली उठाए। इस आदमी को घमंड हो, वो आदमी लोगों के सीधे फोन नहीं उठाता, सीधे मुंह बात नहीं करता। जो आदमी 500 आदमियों से मिले, उसने बात कर करके लोगों को रिझाया। मेरे पास गया और कोई आदमी झूठी गोली लेके नहीं आया, होगा तो होगा, नहीं होगा तो सब इसका नहीं होगा। और नहीं, मैं आज कहना चाहता हूं, आप मुझे दोबारा एमएलए बनाओ, फिर भी मैं झूठी गोली नहीं दूंगा। लूट और झूठ के खिलाफ हमारी राजनीति। पूरे भिराणी, बादरा और गोगामेड़ी तीन थाने, मुझे नहीं पता थानों के भीतर कौन जाके जेब कटवाया है। मैंने तीनों थानों को पूरी 5 साल बादरा की सड़कों पर नहीं खड़ा होने दिया। मैंने तीनों थानों को बादरा की सड़कों पर खड़ा नहीं होने दिया एक दिन भी। जो ही आचार संहिता लगी, बीजेपी आचार चढ़ रही, आचार संहिता लागण दो, आचार संहिता लागण दो, पराली वाला घोड़ा लाठी लागी बापड़ा। आज सुबह ही फोन आ रहे अंदर के 5 बजे, भाई जी चलान काटे हैं, मेरे को 25 तारीख ने मेरे लो बटन दाब दी, अगले 5 साल काट जाए तो मैंने पूछ ली। चलान तो बैंक में भर गया है, वो काटना बोल जाएगा, क्योंकि बलवान पुनिया और मजबूती के सके विधानसभा जागो। बापू जी आंखा में धूल गिरना चाहे, कहीं कहीं मैं जीत जाऊंगा नहीं, जब सीधा फोन उठावांगा बीत पर बुलाई उठा लिया बैठा फोन, लोग तो करेंगे गोल। इसका मतलब आप फोन उठाते नहीं थे, इसका मतलब आप फोन नहीं उठाते थे। अब कह के मैं सिद्धो मिले करूंगा, करणो मिली बाबा बेटो उठता ही, वो घोड़ी ले ली और तू ट्रैक्टर ले ली, खड़ो दियो मैं बड़ा खेत में जाऊ मजा करो। नहीं मेरे पर आरोप लगा, मैं भेदभाव को शर्म को नहीं आवान, खड़ा बने थराठ है मारन बनाए हुए, थरो 4 है मारन बनाए हुए, नहीं तो मैं साथ SDR भी बनाए हुए, काम चलन लाग रहे, झूठ बोले तो जाके कोई गंदी उतर आदमी बना लियो, वीडियो कॉल कर लियो, 7 SDR को खड़ो चले, 7 SDR खड़ो बनाया, मैंने को खेत जा मजा कर, तेरे बोली जमीन बताओ तू बा कर गास, थोड़ी जमीन वाला काट दिया तो सील को कंटो, तो 1600 करोड़ भी मोल है, उसे मंगेड़े मोड़ा कुल भी मोदे हो, है बलवान पुनियो जोर को बोले, हाँ जोर को बोल के रहे बीमो, बीमा देना पड़ेगा, बीमा लेकर रहेंगे, ये करके डरा दिया भाई सरकार ये कुंड रहो। गुलाब चंद जी कटारी हुई दिन बीमे के मामले में मेरे साथ पंगा ले लिया विधानसभा मां, मैं कर लियो झगड़ो, मैं 70 में एक लो बीजेपी वाले गुलाब चंद जी कटारी आजकल माननीय राज्यपाल है, आप कर लियो झगड़ो जोर को, मैं दिन मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में बैठा, आप ऐसे जोर को झगड़ो करोगे मैं विधानसभा छोड़ के बाज गया, सीएम साहब धन्यवाद करना है कुर्सी पर, आगे बोले जोर को, मैं मेरे यहाँ हाथ लगाए जो करंट शो पट्टे हो
जो यही हाथ लगे कि यार भादरा की जनता धन्यवाद बड़ो जोर को आदमी भेजिए मैं क्यों साहब इन चीज तो कोई आज चीज में नहीं ठीक कर दिया तेरे का नहीं शाम ने फिर धन्यवाद खातर बुलायो बोले धन्यवाद यार कॉमरेड जोर की बात है यार जोर को आदमी एक ले दाम लिया सर मैं आपको आपको गलिया गालती हूँ सो भाई इतना आदमी आपको गला मैं एक लो ही गालती हूँ सच्चो आदमी मेरी जीभ को लड़ खड़ा हुआ नहीं हो जूठे की जीभ छिपड़ ला गया कलरान ला गया अल्लाह वाला कर ला गया देखेंगे करेंगे की बोलिया मैं तो कहो करांगा नहीं कोनी भाई मारो छोड़ो मैं तो कहूँ 1000 रुपये तेल बढ़ाए जो कोई एमएलए के नजार दूर जा तो 2000 को तेल बढ़ाए क्यों देते गोली क्या वे गोली को 5 साल लंबी वो तो है गोली देते के थोड़ी रखे जाएगी रे मैं को रखे साहब मेरे तो स्वभाव को नहीं मैं तो तन मन दोनों मदद करके थे एमएलए बनायो मैं थरो फर्ज कर्ज चढ़ायो थे मेरे पर मैं फर्ज मान्यो मैं फर्ज उतारियो अब थे मेरे पर कर्जो तू चला दो सही कहना है थे जिया बैंक जाओ नहीं जगह को व्यवहार सावड़ो है बैंक से अगर लेन देन ठीक हो तो बैंक न्यू के 5 साल के लेत्र कागज लिया फर्द लिया नहीं और तन केसीसी कर दिया 1.25 गुनी 1.5 गुनी और केसीसी हो जाए रिन्यूअल भाइयों मेरी केसीसी रिन्यूअल कर दो और मेरी 1.25 गुनी 1.5 गुनी कर दो और मैं अगली 5 साल थारो कर्जो उतार तो रूंगा अब मैं थारा घोषणा फेंकोगा मोटा मोटा काम तो थारा कर दिया अब घोषणा से कराओगा कभी अट्ठू सीधी मारा बांबड़वास का सड़क काटने काट देंगे ये बात करो थोड़ी सी लिखी होगी मारे ही आसानी हो जाए कि मराना आएगा कि बांबड़वास सीधा पक जाऊंगा और किए तो फिर जान दे बात नहीं जैसा लिवा हाँ एक सड़क बची है थरा काट कोट दूंगा मैं हाँ ओ फिर करता काम है तो बनाओ और मैंने पूरे मराना पर भरोसा है पूरे गाँव सारी बातों ऊपर उठ गई पंचायत चुनाव ऊपर उठ गए मेरे करेड़े काम पर मोर लगाओगे दलित के लिए पीड़ित के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए छात्र के लिए नौजवान के लिए अल्पसंख्यक के लिए आदिवासी के लिए जबकि मैं राजस्थान की विधानसभा में आवाज बने हूं मैं आवाज ने मजबूत करने को काम करेगा ऐ यहां सर उम्मीद के सके गए 22 तारीख की अपनी रैली है बड़ी भारी संख्या में आइयो और दंतीय थोड़े सितारे को बटन दबाइयो मैं कहना चाहूं रैली में माता बहना भी जरूर ले आइयो भाई जी 1 लाख आदमी रैली में भेड़ा होगा 1 लाख आदमी मैं गंभीरी बुला दिया गंभीरी के चक्रा फिर बाबू एक आदमी कह के जो बीजेपी को बूथ जीता वो मैंने 11000 रुपया देंगे गौरव बुआवड़ा आदमी तेने न्यू कर मेरे को भादरा तहसील में 1600 करोड़ रुपया बीमो आयो है तो जगह 11000 कही सर लेने देने में पर्चिया में टक्या रुपया और किसान गौर को करे नहीं खरीदनो समय तू लोग बलवान पुनिया पर तो खर्चो करके लोग मेले बनायो और बलवान पुनिया की आज संपत्ति डिक्लेयर करिए नहीं मैं घोषणा पत्र जो दिए मैं चुनाव के परचम घोषणा मैं पहली भी बता के गये थर करे मेरे कहने की गोनी अपने कहते बोई समान है जो को पहली हुई तो उल्टी को कर्जो बदी हुए सरकारी कर्जो फ्लैट ले बैठे मैं जयपुर में एक 30 लाख रुपया में 27 लाख में पर लोन 8 लाख में टाबरा ब्या मोर 1000 रुपया जो मोर ने लियो 12 लाख और ले लियो बेशरम सो गला 25 लाख और मांगन गयो लोन मैनेजर बोलो गए और लोन मिल रहे को नहीं मैं बन फोटो दिखाई मराने प्रोग्राम की बन फोटो दिखाई कलाने प्रोग्राम की बन फोटो दिखाई कई प्रोग्राम आ गई वो बोले मन थे फोटो क्या भी दिखाओ मैं ओजू जीतूंगा बोले लोन ओजू जीते ही मिले वो तो अल मैं कहा बड़ी फट्टी काटी यार अभी चारे की ना मिलने टिको फिर बोले और कौन मिले मैंने साहब ना करो सही थे ओजू जीत गया हो तो मेरे तो लोन लो सोर लेना है अब देख लिया मैं कहूँ की होगा माड़ा कर लिए वैसी 3 लाख रुपया रोज का मांगे पंपाड़ो अरे चुनाव वाला खर्चो ना लिख दियो तो काल दरुक की गांट ली तेल वालों मेरे तकड़ो थक ले मैं ट्रक को नहीं आया वो ट्रक सुना मेरी तड़ो बड़े हुए पर चकदा भाई जी फट्टा मेरो जी नहीं करे मैं सड़क इसी बना ली जी इसी गाड़ी गुड्डी रुकी जानी तो मैं दिन बचे 19-22 पगाई खींच दू उपाड़ो ही कोई लेखो को नहीं है हौसले वो क्यों को नहीं हो हौसलो यार काम करिए जान वो चारों मेरा अपनो काम बोला है मैं कुछ चारों का नहीं ऐसी लहर उठ रही है थे अचंबो करोगा या झूठा आगे के कहेंगा बैठक है दीप राणा खोट हो गयो गल ले गेड़ा है पूरी 900 वोट आया दीप राणा इब का 2500 और 3000 अजीत प्रे आ जाइयो सरा 3 बजे गड में प्रोग्राम है
गले गड़े पे अजीत प्रेम 850 वोट आया, अब की बार 3000 प्लस वोट आवेगा। मैं कोई बावड़ में कोनी गंदो में 40000 जीतूंगा। दूरदृष्टि रखूंगा भी वो सुरेंद्र कहो ने उतरे कहो वेली दीर्णवास है, दूरदृष्टि रखते हैं हम दूरदृष्टि नहीं रखते तो मिले थोड़ी बढ़ते। हम जिन घरों में रहते हैं वहां तो मिले कभी घुसे ही नहीं थे। पहले बार जीत के मैं गया था, मेरे घर में मिलने बन के मारी नहीं भाभी है, भाभी के पैरों लगा तो भाभी बोली मेरे घर में मिलने आया मैं को पहली बार। इससे पहले तो हमारे घर कभी मिलने आया ही नहीं था। ये हमारी दूरदृष्टि तो थी कि ये लोग कुछ है ही नहीं जो राजनीति कर रहे हैं, इनका कोई विजन भी नहीं है। बलवान पुनिया कह रहा है अगर जीतेगा तो भादरा के चारों तरफ बाईपास बनाएगा, बलवान पुनिया कह रहा है अगर जीतेगा तो नर्सिंग कॉलेज बनाएगा, बलवान पुनिया कह रहा है जीतेगा तो नहर तोड़ करके दोबारा बनाऊंगा और पूरा पानी लूंगा, बलवान पुनिया 450 करोड़ रुपए बजट लाया उसको लगवाऊंगा, बलवान पुनिया ने कमीशन नहीं लिया जो काम सुधरे इनको सही सिरे चढ़ाऊंगा और ऐसे का लूंगा फिरे हटे खर्चो करता ऐसा क्या पापा 20% कमीशन ले लिया दूसरे बजट 40 साल को मिला है आज को आदमी करोड़ों रुपया लगा वो गड्डी खाने लगा होगे आपने करोड़ों ही नहीं मेरे तो लोग ही लगा मैं लोगों फिर काम होगा तो दूंगा 5 साल बचा। पर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाते थोड़े सितारे को बटन दबाइयो, 22 तारीख में रैली में आइयो। धन्यवाद सर, बैठे रहो। धन्यवाद एमएलए साहब, सभी किसान साथ।